Dear student, today another viral disease, mumps. We will discuss it. So let's start the disease mumps. Mumps kya hai? Ye ek viral disease hai jo mumps वायरसेस की वजह से प्रोड्यूस होता है और ये स्पेशली बच्चों की डिज़ीज़ है, चिल्ड्रन डिज़ीज़ है। मम वायरस जो है ये फैमिली पैरामेक्सो वायरस या पैरामेक्सो वेरेडी से बिलोंग करता है और ये जो है डिस्कवर हुआ था इन 1934 बाय लेवस पास्चर एंड थॉमसन। सो मम्स वायरस काज मम्स बिलोंग टू फैमिली पैरामेक्सो वायरस या पैरामेक्सो वेरेडी। इट इज अ डिजीज ऑफ चिल्ड्रन। द वायरस वाज डिस्कवर्ड इन 1934 बाय लेविस पास्चर एंड सी थॉमसन। इसकी जो इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ है वो है ये सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस है, ठीक है। इसके इर्द गिर्द एनवेलप होता है, ये देखिए ये न्यूक्लियोकैप्सिड है, इसके इर्द गिर्द जो है ये एनवेलप है, ठीक है। और एनवेलप पे जो है टू टाइप्स ऑफ स्पाइक्स होते हैं, एक को एच स्पाइक कहते हैं, दूसरे को एन या एफ स्पाइक कहते हैं, ठीक है। एच से जो है हीमोग्लोटिनिन, इसमें प्रोटीन होते हैं इन स्पाइक्स में, हीमोग्लोटिनिन, ठीक है। और एफ स्पाइक से मीन फ्यूजिंग प्रोटीन, या ये एन जो है ना ये न्यूरोएमाइडीन प्रोटीन होते हैं, ठीक है। तो इसको एफ स्पाइक्स या एन स्पाइक्स भी कहते हैं। एफ स्टैंड फॉर फ्यूजिंग प्रोटीन। ये फ्यूजिंग प्रोटीन कौन से होते हैं? न्यूरोएमाइडीन, ठीक है, न्यूरोएमाइडीन। तो देख लें, न्यूक्लियोकैप्सिड है, इर्द गिर्द एनवेलप है, एच स्पाइक हैं और एन या एफ स्पाइक्स हैं, ठीक है। ये तो आप लोगों को मालूम है कि एच स्पाइक क्या करते हैं, ये अटैचमेंट में हेल्प करते हैं, ठीक है, टू द सर्फिस ऑफ द सेल, ठीक है। कोई भी बॉडी में सेल है तो ये स्पाइक जो है ये अपनी एरिया को, अपने रिसेप्टर को सेल पे पहचानते हैं और उसके साथ ये स्पाइक अटैच हो जाते हैं, ठीक है, जो वायरस है उसको अटैच कर लेते हैं। एन या जो एफ स्पाइक हैं ये क्या करते हैं कि जो एनवेलप है ये वायरस का, ये सेल मेम्ब्रेन, जो सेल का मेम्ब्रेन है उसके साथ फ्यूज़ हो जाता है, ठीक है, और इसमें ओपनिंग हो जाती है। ओपनिंग हो जाती है तो ये जो न्यूक्लियोकैप्सिड है ये सेल के अंदर एंटर हो जाता है, ठीक है। यानी जब अटैच हो जाता है तो क्या होता है कि ये सेल जो है ना इस तरह इसमें होल पैदा हो जाता है, ये ऑलरेडी उसके साथ अटैच है जो वायरस है, तो वायरस इधर अटैच है, ठीक है, वायरस इस तरह इस तरह होल बन जाता है और इसका जो न्यूक्लियोकैप्सिड है, ये न्यूक्लियोकैप्सिड जो है ये एंटर हो जाता है सेल के अंदर। इसकी ट्रांसमिशन कैसी होती है? ये थ्रू रिस्पायरेटरी ड्रॉपलेट से होते हैं। यानी कोई भी पेशेंट है जिसको मम्स है, वो जब स्नीजिंग करते हैं या कफिंग करते हैं तो ड्रॉपलेट्स निकलते हैं उसके रिस्पायरेटरी सिस्टम से। वो ड्रॉपलेट्स जो है वो ईयर में ट्रेवल करते हैं, ईयर ये ड्रॉपलेट से ईयर में ये ट्रेवल करते हैं और कोई और इंडिविजुअल है, चिल्ड्रन है,
जब वो सांस लेते हैं तो ये ड्रॉपलेट जो है थ्रू रेस्पिरेटरी सिस्टम में एंटर हो जाते हैं, थ्रू ये ड्रॉपलेट एंटर हो जाते हैं नोज़ में, नोज़ से फिर रेस्पिरेटरी सिस्टम में एंटर हो जाते हैं और वहाँ उनकी मल्टीप्लिकेशन शुरू हो जाती है, ठीक है। और ये जो इसकी पीक इंसिडेंस है ये वो कब होता है, विंटर में ये ज़्यादा होता है, ठीक है। वर्ल्ड वाइड विंटर में ये ज़्यादा मम्स की बीमारी होती है। कल्टीवेशन इसकी किस तरह होती है, डेवलपमेंट चिक एम्ब्रियो पे में हो सकती है, ठीक है। इसकी कल्टीवेशन, इसकी ग्रोथ और एपिथेलियल सेल ऑफ किडनी, किडनी के जो एपिथेलियल सेल्स है, ठीक है, उसमें इसको हम ग्रो कर सकते हैं। वो एपिथेलियल सेल ऑफ किडनी जो है ह्यूमन के भी हो सकते हैं और मंकी के भी हो सकते हैं। इसकी रेजिस्टेंस कैसी है, सर्वाइव एट लो टेम्परेचर फॉर 10 मिनट, तो ये जो है 10 मिनट तक लो टेम्परेचर पे सर्वाइव कर सकते हैं। इसके अलावा 55 to 56 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये किल हो जाते हैं 20 मिनट में, ठीक है। और इनएक्टिवेटेड बाय यूवी रेडिएशन, जब इस पे यूवी रेडिएशन करते हैं हम, यूवी रेडिएशन के अंडर रखते हैं तो ये इनएक्टिव हो जाते हैं, ठीक है। जब जो मम्स वायरस है उसको यूवी रेडिएशन पड़ती है तो क्या हो जाता है, ये इनएक्टिव हो जाते हैं और डिस्ट्रॉय हो जाते हैं 0.1% फॉर्मलिन सॉल्यूशन से। फॉर्मलिन सॉल्यूशन 0.1% हम बनाएंगे तो उससे ये जो वायरस है ये डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा जब हम 50% अल्कोहल या ईथर सॉल्यूशन बनाएंगे और उसमें जो है वायरस इसको रखेंगे तो वायरस जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं इससे। पैथोजेनेसिस किस तरह होती है, किस तरह डिजीज़ डेवलप होता है, तो मेनली जो है पेशेंट के जो पैरोटाइड ग्लैंड्स है ये इनलार्ज हो जाते हैं, ठीक है। पैरोटाइड ग्लैंड्स कौन से होते हैं, ये सलाइवरी ग्लैंड्स नहीं है, जस्ट बिलो द टंग, ह्यूमन टंग जो है इसके नीचे जो है सलाइवरी ग्लैंड होते हैं, ठीक है। सलाइवरी ग्लैंड को पैरोटाइड ग्लैंड भी कहते हैं और ये इनलार्ज हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं, ठीक है। सो जब ड्रॉपलेट्स के थ्रू ये नोज़ में एंटर हो जाते हैं, प्राइमरी मल्टीप्लिकेशन अगर इन द नेज़ल, नोज़ में जो है उसकी प्राइमरी मल्टीप्लिकेशन या जो है अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक जो है उसमें इसकी मल्टीप्लिकेशन जो है वो शुरू हो जाती है, ठीक है। वैसे जब एंटर हो जाते हैं थ्रू ड्रॉपलेट्स इन द नोज़, तो नोज़ में या अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक में जो है इसकी मल्टीप्लिकेशन शुरू हो जाती है, ठीक है। फ्राम देयर जो है वायरसेज, फ्राम देयर वायरसेज गोज़ टू सलेवरी ग्लैंड, यानी फिर वहाँ से ये वायरसेज जो है सलेवरी ग्लैंड या पैरोटाइड ग्लैंड जिसे कहते हैं वहाँ पे चले जाते हैं, ठीक है। एंड अदर ऑर्गन और दूसरे ऑर्गन में भी ये पहुँच जाते हैं, ठीक है। तो जब ये नोज़ में और अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक में जब वायरस इसकी मल्टीप्लिकेशन शुरू हो जाती है, जब वो बहुत ज़्यादा बन जाते हैं, बहुत ज़्यादा मल्टीप्लिकेशन हो जाती है, फिर ये वायरस जो है सलाइवरी ग्लैंड में पहुंच जाते हैं और दूसरे ऑर्गन में पहुंच जाते हैं, ठीक है। जब ये सलाइवरी ग्लैंड में पहुंच जाते हैं तो उसकी स्वेलिंग हो जाती है, या दूसरे ऑर्गन में पहुंच जाते हैं तो उनकी भी स्वेलिंग हो जाती है, ठीक है। मेनली जो ऑर्गन दूसरे ऑर्गन है वो ओवरीज है और टेस्टिस है, ठीक है। जब टेस्टिस जो है ये स्वेल हो जाती है तो उसको ऑर्काइटिस कहते हैं, ऑर्काइटिस यानी टेस्टिस की इन्फ्लेमेशन हो जाती है, ठीक है। टेस्टिस स्वेल हो जाता है तो उसको ऑर्काइटिस कहते हैं, ठीक है। और जब ओवरी की स्वेलिंग हो जाती है तो उसे ओफराइटिस कहते हैं, ओफराइटिस कहते हैं, ठीक है। तो वायरसेस गो टू सलाइवरी ग्लैंड्स एंड अदर ऑर्गन्स इंक्लूड ओवरीज एंड टेस्टिस काज स्वेलिंग, तो टेस्टिस की भी स्वेलिंग करते हैं, ओवरीज के भी करते हैं और सलाइवरी ग्लैंड की भी स्वेलिंग करते हैं, ठीक है। तो इसकी इम्यूनिटी क्या है, इम्यूनिटी जो है लॉन्ग लाइफ होती है अगर किसी को ये डिजीज़ पहले हुआ हो, ठीक है। ये लाइफ में एक ही बार होता है, ठीक है, फिर वो लाइफ लाइन उसको इम्यूनिटी मिल जाती है, ठीक है।
So lifelike immunity occur in a person who have had the disease, जिसको ये डिजीज हो चुका हो, ठीक है, तो उसको लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी मिल जाती है, उसको दोबारा मम्स नहीं होता। इंक्यूबेशन पीरियड क्या है इसका, 18 टू 21 डेज में जो है इसके साइन एंड सिम्टम शुरू हो जाते हैं, यानी 18 दिन से लेके 21 दिन तक इसकी फुली मल्टीप्लिकेशन हो जाती है, ठीक है, फुली बहुत ज़्यादा तादाद में इसकी ग्रोथ मल्टीप्लिकेशन हो जाती है और इसके साइन एंड सिम्टम जो है वो ज़ाहिर होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। तो इसके साइन एंड सिम्टम्स क्या है, साइन एंड सिम्टम्स ये है कि मेलेज हो जाता है, यानी लेक ऑफ इंटरेस्ट हो जाता है, किसी काम में जी नहीं लगता, फीवर हो जाता है, एनोरेक्सिया हो जाता है, एनोरेक्सिया मीन्स भूख का ना लगना, भूख मिट जाती है, भूख नहीं लगती, ठीक है। इसके तो इसको प्रोडर्मल फेज़ कहते हैं, ठीक है, प्रोडर्मल फेज़ में जो पहला फेज़ होता है मेलेज, फीवर, एनोरेक्सिया, और जो सेकेंडरी फेज़ है उसमें पेन इन द ग्लैंड, सो वो ग्लैंड जो इफ़ेक्ट हुए हैं, यानी जो सलेवरी ग्लैंड या पैरोटिड ग्लैंड है, ठीक है, उसमें पेन शुरू हो जाता है, फीवर होता है, एंड इनलार्जमेंट ऑफ ग्लैंड, तो वो जो पैरोटिड ग्लैंड है, ठीक है, वो इनलार्ज हो जाता है, तो पैरोटिड ग्लैंड फर्स्ट यूनिलैटरल देन बायलैटरल, सो पहले एक साइड जो है ना फेस का जो एक साइड है तो वो इनलार्ज होना शुरू हो जाता है, फिर उसके बाद जो है बायलैटरल दोनों साइडों पे हो जाता है, ठीक है, स्वेलिंग, ये जो पैरोटिड ग्लैंड है ये दोनों साइड पे होते हैं, ठीक है, तो पहले एक साइड पे स्वेलिंग हो जाती है और फिर दूसरे साइड पे हो जाती है। कॉम्प्लिकेशन इसकी क्या है, पेनक्रियाटाइटिस, यानी पेनक्रियास की इन्फ्लेमेशन हो जाती है, नेफ्राइटिस, नेफ्रॉन की जो किडनी में होते हैं, ठीक है, उसकी इन्फ्लेमेशन हो जाती है, थायराइडाइटिस, थायराइड ग्लैंड जो है उसकी इन्फ्लेमेशन हो जाती है, ठीक है, यूनिलैटरल नर्व डेफनेस, यानी यूनिलैटरल एक साइड पे जो है डेफनेस हो जाती है, नर्व्स डैमेज होते हैं, ठीक है, यूनिलैटरल नर्व डेफनेस, तो कान के जो नर्व्स हैं, ईयर के जो नर्व्स हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, ठीक है, एक साइड पे, इसलिए यूनिलैटरल नर्व डेफनेस कहते हैं, ठीक है, सो हेयरिंग कैपेसिटी इज़ कम्प्लीटली लॉस्ट, हेयरिंग कैपेसिटी जो है वो कम्प्लीटली लॉस्ट हो जाती है, लेकिन एक साइड वाली एक साइड पे होती है, ठीक है। इसके अलावा लेब में डायग्नोसिस किस तरह करते हैं, तो हम पेशेंट से सलाइवा लेते हैं और ठीक है, और उसमें जो है फिर हम देखते हैं कि ये वायरस मौजूद है या नहीं। ट्रीटमेंट एंड प्रिकॉशंस क्या है, तो इसकी कोई वैक्सीन वगैरह है, लेकिन जिसको हो जाता है तो फिर वो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट हम करते हैं। सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट ये कि अगर किसी को बुखार है तो हम बुखार वाली दवाइयाँ या एंटीपायरेटिक ड्रग देते हैं, किसी को पेन है तो एनाल्जेसिक वाली दवाइयाँ हम देंगे, अगर किसी को कफ है तो एंटीटसिव ड्रग देंगे, कफ के अगेंस्ट जो काम करते हैं, ठीक है। इसके अलावा आइसोलेशन ऑफ पेशेंट को आइसोलेट कर लेते हैं, एंड वैक्सीन यूजुअली इसका है जिसको MRV कहते हैं, ठीक है, मम्स रोबियोला वैक्सीन या MMRV, तो मीज़ल मम्स रेबियोला वैक्सीन, ये दो टाइप के वैक्सीन है, यूजुअली हम ये देते हैं, ठीक है। तो इसके अलावा जो एट द टाइम ऑफ बर्थ पैसिव इम्यूनिटी इज़ यूजुअली ट्रांसमिटेड फ्रॉम मदर टू फीटस, बर्थ के टाइम पे जब बच्चे की बर्थ हो जाती है तो इम्यूनिटी जो है मदर से, कुछ इम्यूनिटी मदर से ट्रांसफ़र होती है फीटस में, यानी बच्चे में, ठीक है, सो देयरफॉर डिजीज़ डज नॉट फ्रीक्वेंटली आकर इन चिल्ड्रन अंडर 6 मंथ ऑफ एज, तो ये जो इम्यूनिटी या एंटीबॉडीज़ जो है ये ट्रांसफ़र होती है मदर से बच्चे में, तो ये एंटीबॉडीज़ या इम्यूनिटी जो है ये 6 मंथ तक जो है
बच्चे को सेफ करते हैं, ठीक है। उसमें ये बीमारी के चांसेस जो है, ये मम्स के चांसेस जो है बहुत ही कम होते हैं, ठीक है। तो ये था मम्स के बारे में। तो डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा होगा वो होगा रेबीज डिजीज़, जो एक वायरल डिजीज़ है, ठीक है। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गया होगा। ओके, थैंक यू।